Hello and welcome to my channel. Let's make it simple, a simple and easy way to learn maths and science. Now, I've all started playing with numbers in my part one, and the chapters that we have covered, or topics that we have covered in part one were a test of divisibility by 2, by 3, by 5, and 9. In सबके divisibility criteria मैंने already आपसे discuss कर लिया था part one में. If you have not watched it, please watch my part one. Okay? So now अब देखते हैं कि 10 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं. ओके, सो इट्स द सिंपलेस्ट वन. हाउ कम? बिकॉज अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, इफ इट एंड्स विद जीरो, अगर वो जीरो से एंड हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2290, इट इज डिविजिबल बाई 10. यस, इट इज डिविजिबल बाई 10. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जीरो आ रहा है. 3400, क्या इसके लास्ट में जीरो आ रहा है? इट इज डिविजिबल बाई 10. 3652, इसके लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10. 2350, इसके लास्ट में जीरो आ रहा है, यस, इट इज डिविजिबल बाई 10. एंड 1000, इट इज डिविजिबल बाई 10 बिकॉज इट एंड्स विथ जीरो. ओके, तो ये तो हो गया सारा कि हाँ कौन कौन से नंबर, जैसे 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, ये क्राइटेरिया है. दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी विल सी राइटिंग अ नंबर इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म. ओके, जैसे इसको, इसमें मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस शायद आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी पढ़े होंगे, बट आई हैव डिस्कस्ड, मैंने सेपरेटली भी इनको यहाँ पर डिस्कस किया है. जैसे कोई भी नंबर है, मान लो जैसे ए है, बी है. ए बी क्या है? 2-डिजिट नंबर है. ठीक है, अब मान लो इसके 10th प्लेस पर है क्या ए है, एंड 1th प्लेस पर है मान लो बी है. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? तो जैसे हम अगर 32 होता है, ठीक है, तो 10th प्लेस पर क्या है? 3, एंड 1th प्लेस पे क्या है हमारा? दैट यू, सॉरी 2. ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 3 इंटू 10, जो 10th प्लेस पे होता है उसमें 10 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 इंटू 1, दिस विल बिकम ओके 32. ठीक है, ओके, तो अगर इसी तरीके से ए एंड बी है, जिसके 10th पर ए है एंड यूनिट्स पर बी है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, दैट इज 10 ए प्लस बी, ये हमारा नंबर हो जाएगा. ठीक है, अब इसी चीज को दिमाग में रख करके, चाहे हम 2 डेज के क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 डिजिट्स के नंबर सॉल्व करें, या 3 डिजिट्स के नंबर सॉल्व करें, इस जनरलाइज्ड फॉर्म को दिमाग में रखकर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ टेकन वन क्वेश्चन, द सम ऑफ अ नंबर ऑफ अ 2 डिजिट्स एंड ऑफ अ नंबर फॉर्मड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110. कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, ओके, ए एंड बी है, तो लेट द यूनिट प्लेस बी B and let the tens place be A. ठीक है, ओके, ये बोला है. अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि अब हमारा नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा? पहले नंबर निकाल लेते हैं. नंबर फॉर्म विल बी वॉट? 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, दैट इज 10 ए प्लस बी. ठीक है, तो सम ऑफ अ नंबर फॉर्मड ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फॉर्मड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स रिवर्स्ड हो गए, यानी अब हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? यूनिट पे आ गया अब ए, एंड टेंस पे क्या आ गया हमारा? टेंस प्लेस पे आ गया बी. अब हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस ए, दैट इज 10 बी प्लस ए. अब आपका पहले क्या नंबर था? 10 ए प्लस बी. अब क्या नंबर हो गया आपका? यू कैन सी हियर, 10 बी प्लस ए. क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है? इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 110. ठीक है, यानी 10 ए प्लस बी प्लस 10 बी प्लस ए इज इक्वल्स टू 110. आप इसको सॉल्व करो, ये हो गया 11 ए प्लस 11 बी इज इक्वल्स टू 110, यानी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 11, दैट इज 10. यानी ए प्लस बी हमारा क्या है? ए प्लस बी है हमारा 10. क्लियर? ओके, अब ए प्लस बी 10 है, एंड अब क्या बोल रहा है? द डिफरेंस, अब आप देखो, डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 6, यानी ए माइनस बी हमारा क्या है? 6 है. क्लियर? ओके, ये हमारा 6 है. एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया, एडिंग 1 एंड 2.
क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6। क्लियर? तो ये बी और बी कट गया, तो 2 ए इज इक्वल्स टू 16, ए इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो हमारा ए अगर 8 है तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर विल बी 82। 82 बोलो, 28 बोलो, इस केस में दोनों के दोनों आंसर ही करेक्ट है आपके। ओके, दोनों के दोनों आंसर ही हमारे करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट करंट नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा कि 10 एंड 100 के बीच में कोई डिजिट है, यानी कोई पक्का 2 डिजिट नंबर है। तो लेट द यूनिट प्लेस बी बी, तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं ए, ठीक है, ये बी हो गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10 ए प्लस बी। ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। अभी क्या बोल रहा है कि इट इज, ये जो नंबर, ये जो फॉर्म हो रहा है, ये और भी कैसे हो रहा है, अगर 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट यानी ये जो हमारा नंबर है 10 ए प्लस बी, ये और कैसे मिल रहा है, सम ऑफ डिजिट यानी ए एंड बी, इन दोनों को अगर ऐड करके इसमें अगर हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये नंबर फॉर्म हो जाएगा, यानी इन दोनों की मैंने इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आप सॉल्व करोगे तो होगा 10 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 ए माइनस प्लस 8 बी, 10 ए माइनस 8 ए इज इक्वल्स टू 8 बी माइनस बी, यानी 2 ए इज इक्वल्स टू 7 बी, यानी ए इज इक्वल्स टू 7 बी अपॉन 2। अब ये तो हो गया, यहां से यहां तक हमने ये रिलेशन निकाला। ओके, अब आ जाओ, अब ये क्या बोले, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी ये जो नंबर है इससे अगर हम 45 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हम क्या करते हैं, 10 ए प्लस बी में से हमने 45 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो डिजिट्स विल बी रिवर्स्ड, डिजिट्स रिवर्स, यानी ए अब क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10 बी प्लस ए। अब डिजिट्स रिवर्स हो गए, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 45, ये हो गया 9 ए माइनस 9 बी इज इक्वल्स टू 45, यानी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 45। ओके, अब यहाँ पर ए की वैल्यू डालते हैं, 7b/2 - b = 5, तो यानी ये हो गया हमारा 5b = 5 into 2, तो b = 10/5, दैट इज 2। अगर b की वैल्यू 2 आ रही है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज 7/2 × 2, a की वैल्यू है हमारी 7। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 72। दिस विल बी योर आंसर। देखा, समझ में आता तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है। सो आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट टू ऑल्सो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज ऑल्सो कमेंट ऑल्सो एंड लेट मी टेल यू कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अगेन।